വരുമെന്ന് തെക്കാപ്പ്സ് മാതി. भगवान बुद्ध और शनिवार, ये जो शनिवार है बाद में इसको शनिवार किया गया क्योंकि पाली के अंदर तो शय होता नहीं, सय होता है, तो ये पाली में बुद्ध के समय में शनि था, शनिवार. और शनि को जो बोलते हैं इसको सन्नी बोलते हैं, सन्नी निकट या सन्निकट या सन्नो सन्नी करके कई बार इसका पाली में जिक्र है. इसका मतलब होता है संघ, सानिध्य, नीचे. यानी सन्नी संघ का मतलब हम किसी की छत्रछाया में हैं, हम किसी के साथ हैं, हम किसी के नीचे हैं, हम किसी के निकट हैं. तो यो जो ये शनिवार है बेसिकली ये संघवार है. संघवार का मतलब है कि उस दिन स्पेशल रूप से सारे लोगों की असेंबली होती थी. असेंबली का मतलब है कि मगध में भगवान बुद्ध के क्षेत्र में जहां जहां लोग रहते थे, शनिवार के वीकेंड के दिन यानी शनिवार जो दिन था वो इस बात के लिए था कि सारे लोग संग संग रहेंगे, साथ साथ कहेंगे. उस दिन काम नहीं होता था, सब आपस में बातचीत करते थे, एक दूसरे का दुख और दर्द बांटते थे, धम्म को सीखते थे, कहीं कोई मुसीबत आती है तो उसका मुकाबला करते थे. ये दिन उनका रिजर्व होता था मौज मस्ती का, एक दूसरे की समस्याएं सुलझाने का, एक दूसरे से मिलने का. ये सामाजिक दिन था. इसलिए इस दिन ये सब जब इकट्ठे होते थे तो जो इनके दुश्मन थे वो बड़ा कांपते थे, क्योंकि जब समूह इकट्ठा होता है कहीं और कहीं कोई समस्या आती है तो समूह में कुछ जोशीले लोग भी होते हैं, और जोशीले लोग अगर एक कदम ऐसा उठा लें कि जो समस्या आई है आओ समस्या को देखते हैं डंडे बंडे के साथ में, तो फिर वो समस्या करने वाला भी गायब हो जाता है और समस्या भी गायब हो जाती है. इसलिए छह दिन तक जो समस्याएं आती थी, सातवें दिन ऑटोमेटिक वो शनिवार को सबके साथ, संघवार को संघ जो साथ आते थे, सब साथ रहते थे, वो अपने आप ही खत्म हो जाती थी. और ये शनिवार का दिन सारे दिनों में सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जो मैंने सात दिन पहले भी बताए हैं, सप्ताहिक करके जो मैंने बताया है, इसको बाद में साप्ताहिक बोलते हैं. तो इसको बाद में, चूंकि जब धम्म चला गया, उन लोगों की ताकत चली गई और जो बाहर से लोग आए थे वो पावरफुल हो गए, तो वो इस शनि जो वार है इसको उन्होंने घोषित कर दिया कि ये सबसे डेंजरस दिन है, सबसे खराब दिन है. बाकी सब दिन ठीक है, मगर शनिवार को बच के रहना है, शनिवार को घर से बाहर नहीं निकलना है, शनिवार को अपनी जान बचानी है, शनिवार को दुबक के रहना है, शनिवार को कोई हाथ ना लग जाए, क्योंकि पाप कर्म किया है उन्होंने, पाप कर्म किया है, हाथ लगेगा तो पिटेगा. उस दिन वो सालों इकट्ठे हो जाते थे, तो इसलिए उन्होंने शनिवार को घोषित किया. और जब सत्ता गई यहाँ के लोगों की तो शनिवार का दिन को मनुष्य घोषित कर दिया, शनिवार के दिन को खराब घोषित कर दिया. और शनिवार को जो लोहे का दिन है वो इसलिए है क्योंकि शनिवार को जो यहाँ के लोग इकट्ठे होते थे वो अपने जो सत्तक थे, सत्तक माने जो शस्त्र थे, वेपन थे, या सत्तक दंड यानी कि जो शस्त्र वाला डंडा होता था, बल्लम या भाला, उसको साफ करते थे, उसको चमकाते थे, उसको अच्छी तरह से देखते थे. तो इसलिए शनिवार बहुत ज्यादा विनाशकारी और अघोषित दिन ऐसा हुआ कि उसको कहने लगे शनि चराय चढ़ रहा है, यानी कि इसके ऊपर तो शनि चढ़ रहा है, ये तो कोई ना कोई नुकसान कर देगा. आज भी शनिवार को और लोहे को देख के लोग घबराते हैं और परेशान होते हैं. ये भगवान बुद्ध के काल में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया दिन रहा था. जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, पाली को मानते हैं या बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, उनको शनिवार के दिन वही पुरानी परंपरा के अनुसार अपनी संगोष्ठियां, अपनी मीटिंग, अपने संगी बातें, अपने दुख दर्द जो दूर करने के तरीके हैं उसको दोबारा से आरंभ करना चाहिए. धन्यवाद.